हे गाइस, मेरे एक फ्रेंड है श्याम। वो जब भी एंजाइटी या फिर स्ट्रेस में होता है बहुत ज्यादा खा लेता है, और वो कितना भी खा ले बहुत ज्यादा कमजोर होता है। आई होप आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, या फिर आपके नेबरहुड में, या फिर आपके कुलिक्स ऐसे होंगे कि जितना भी वो खा लें हमेशा पतले ही रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर वो खाते चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और आज हम पढ़ेंगे ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, यहां पर हम बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। क्या ईटिंग डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ ईटिंग से ही रिलेटेड होता है? अब ईटिंग की जब हम बात करते हैं यानी कि फूड, क्या ईटिंग डिसऑर्डर सिर्फ फूड डिसऑर्डर होता है? क्या होता है, क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, किस किस तरीके से ये रहता है, और क्या सिर्फ और सिर्फ ये फूड पे ही बेस रहता है? आइए देखते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर आर सीरियस मेंटल इलनेस दैट इन्वॉल्व डिसऑर्डर ईटिंग बिहेवियर। क्या रहता है? मेंटल इलनेस रहती है, या फिर आप कह सकते हो मेंटल इलनेस के अंदर डिसऑर्डर जो कि आपके किससे, ईटिंग बिहेवियर से क्या रहे, आपके डिपेंड रहे। देर इज ए प्रॉब्लम विद द वे पीपल ईट, विच मीन्स लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ द फूड ईटन, ईटन वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फूड एट वंस एंड गेटिंग रिड ऑफ द फूड ईटन थ्रू द अनहेल्दी मीन्स। अब देखिए, ईटिंग बिहेवियर या फिर ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब अगर आप नॉर्मली पूछोगे तो लोग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ खाने से। अब खाने से तो है, लेकिन किस तरीके का वो अमाउंट ऑफ फूड खा रहा है, यानी कि कितना वो फूड खा रहा है, किस तरीके से खा रहा है, और जितना वो फूड खा रहा है उससे वो रिड कैसे हो रहा है अनहेल्दी मीन्स। अब यहां पर अनहेल्दी वे का मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल क्या करते हैं, फूड खाते हैं, डाइजेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन या फिर फीकल मटेरियल के थ्रू वो आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है। बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज, सम इंडिविजुअल यहां पर जब हम अनहेल्दी वेज की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुछ आप मेडिसिन लेते हैं वो लोग, जिससे कि क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन चलने लग जाते हैं, या फिर ऐसी मेडिसिन जिससे कि प्यूक आने लग जाए, वॉमिट आने लग जाए, या फिर थ्रू यूज ऑफ देयर हैंड वो अपने आप को आप कह सकते हैं जबरदस्ती फोर्सफुली प्यूकिंग करवाते हैं ताकि जो हमारा स्टोमक के अंदर फूड है वो बाहर आ जाए। दीज आर द अनहेल्दी मीन्स, राइट? तो फूड डिसऑर्डर इज रिलेटेड नॉट रिलेटेड टू द फूड टेकन, बट फूड ईटन, किस तरीके की क्वालिटी आप खा रहे हो, कितनी लार्ज क्वांटिटी में खा रहे हो, और जो आप खाना खा रहे हो उससे आप कैसे रिड कर रहे हो अनहेल्दी वेज में, दीज कम्स अंडर इन टू द कैटेगरी ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ईटिंग डिसऑर्डर आर नॉट ओनली अबाउट द फूड इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ईटिंग डिसऑर्डर सिर्फ और सिर्फ फूड से रिलेटेड नहीं होता है, बट अबाउट द फीलिंग। फीलिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर स्टार्टिंग में कि मेरा जो दोस्त है श्याम, वो क्या करता है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाता है। तो फूड का खाना इज नॉट ईटिंग डिसऑर्डर, इट्स कनेक्टेड विद द फीलिंग कि आप स्ट्रेस में हैं, किस तरीके से हैं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप खाना खाते चले जा रहे हैं। इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। अफेक्ट पीपल ऑफ द ऑल एजेस, जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है हर एज के लोगों को अफेक्ट करता है, किसी भी रेश, किसी भी एथनिक बैकग्राउंड, या फिर उनका किसी भी तरह का बॉडी वेट हो, कम वेट हो, लेस हो, या बहुत ज्यादा हो, या फिर किसी भी जेंडर पर, यह क्या करता है, हर तरीके से इक्वली इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर। अब देखिए, यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो इग्नू हो या फिर नेट हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अब अगर हम ईटिंग डिसऑर्डर की बात करें तो देर आर थ्री टाइप ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर। पहला है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा, और तीसरा है बिंज ईटिंग। आई होप आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, बिंज ईटिंग, राइट? एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस दैट लीड टू सेल्फ स्टारवेशन। हैप्पीनेस की खोज कर रहे हैं, या फिर हैप्पीनेस की खोज करने के लिए अपने आप को सेल्फ स्टारवेशन मतलब कि भुखमरी से अपने आप को क्या कर देना, भुखमरी की तरफ ले जाना। बुलिमिया नर्वोसा में क्या रहता है? साइकिलिंग ऑफ द बिंजिंग फॉलो बाय एक्सट्रीम बिहेवियर टू प्रिवेंट वेट गेन सच एज पर्जिंग। कि क्या कर रहा है कि साइकिल ऑफ बिंजिंग ईटिंग क्या कर रही है कि आपके बिहेवियर को प्रिवेंट कर रही है ताकि कि आपका क्या हो, वेट गेन ना हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, खाना बहुत ज्यादा क्या करते जा रहे हो, खाते चले जा रहे हो, बट आप क्या चाहते हो कि मेरा वेट गेन ना हो। बिंजिंग ईटिंग दैट इज रेगुलर बिंजिंग बट डू नॉट एंगेज इन द पर्जिंग बिहेवियर अकर्स, राइट? आई होप ये आपको पता हो।
आज इसमें हम बात करेंगे आपकी एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। आइए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय द एनोरेक्सिया नर्वोसा। देखिए बहुत अच्छी राइटिंग में, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी राइटिंग भी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, कुछ आप इसमें क्लेरिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन का चाहते हैं, या फिर कैसे हम और अच्छी वीडियो बना सकते हैं, आपको कोई भी सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। मीन्स नर्वोसा लॉ, नर्वस लॉस ऑफ द एपेटाइट। कि क्या होता है, इंडिविजुअल नर्वस होके अपनी जो एपेटाइट होती है, जो भूख की जो एपेटाइट होती है, वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, यानी कि खो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। येट पीपल विद द एनोरेक्सिया डू नॉट लूज देयर एपेटाइट बट आर ऑफन हंग्री एंड प्री ऑक्यूपाइड विद द फूड। अब यहां पर अगर हम बात करें एनोरेक्सिया नर्वोसा में, तो ये क्या कह रहा है कि नर्वस लॉस ऑफ द आपका एपेटाइट। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का क्या मतलब होता है कि इंडिविजुअल इतना ज्यादा नर्वस हो गया है कि उसको क्या हो गया है, एपेटाइट का लॉस हो गया है। लेकिन एनोरेक्सिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिविजुअल डू नॉट लूज देयर एपेटाइट। कि इंडिविजुअल की जरूरी नहीं है कि भूख मर जाए, इवन ये देखा गया हुआ है कि दे आर हंग्री एंड प्री ऑक्यूपाइड विद द फूड, कि उनके पास फूड रखा रहता है और उनको भूख भी होती है। फिर क्या होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में, इट इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन डज नॉट ईट अनफ। उसके पास फूड है और प्री ऑक्यूपाई भी है, यानी कि उसके चारों तरफ फूड भी रखा हुआ है, उसे भूख भी लग रही है, बट क्या रहता है कि पर्सन डज नॉट ईट अनफ, कि पर्सन खाना नहीं खाता है जितना उसे खाना चाहिए। क्यों, टू सस्टेन नॉर्मल बॉडी वेट एंड एक्सपीरियंस फियर रिलेटिंग टू द गेनिंग वेट एंड बिकेमिंग फैट। उसे लगता रहता है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरा बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन उसका बॉडी का वेट क्या है, नॉर्मल है या फिर बहुत ज्यादा कमजोर भी है, फिर भी उसे लगेगा कि अगर मैंने ये चीज खाई तो मेरी क्या है, बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, ऐसा कौन सोचते हैं, लड़के अगर आप देखोगे कभी भी बॉडी वेट पे इतना ज्यादा बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि फर्क उनको नहीं पड़ता है। लेकिन एज कंपेयर टू द जेंडर, आई एम नॉट जेंडर बायस बट आई एम गिविंग यू जस्ट नॉर्मल प्रेडिक्शन, लड़कियां अगर आप देखोगे तो दे विल बी लाइक यार ये चीज नहीं खाएंगे, हमारा बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, हम फैट हो जाएंगे। दिस इज द कंडीशन एनोरेक्सिया नर्वोसा। इससे पता चलता है कि क्या है, गर्ल्स के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू द मेंस, राइट। तो वुमेन्स के अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू द मेन। कंडीशन क्या है कि पर्सन के पास खाना भी है, उसे भूख भी लग रही है, लेकिन वो खाना नहीं खाएगा। क्यों, टू सस्टेन हिज बॉडी और हर बॉडी वेट की, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए भी वो खाना नहीं खाएगा। क्यों, क्योंकि उसे लगेगा कि भाई अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरे बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और मैं फैट होता चले जाऊंगा। आइए देखते हैं क्या क्या होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगर हम देखें एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन डायग्नोस इफ द वेट इज लेस देन द 85% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट एज पर देयर एज और हाइट। अब देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी का वेट है 50% कम हो गया तो आप एनोरेक्सिया नर्वोसा में आ गए, नहीं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या कहा जाता है कि जब आपका बॉडी का वेट आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग 85% से ज्यादा कम हो तो आप किसके अंदर आते हो, तब आप एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर आते हो, अदरवाइज यू वॉन्ट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब ऐसा मत मान लेना कि मेरा दोस्त पतला है तो उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा है, राइट। अगर उसका जो वेट है एज और हाइट के अकॉर्डिंग 85% कम है तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यूजली हैव ए डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज क्यों रखता है, क्योंकि अपने आप को हमेशा कमी देखते रहते हैं कि यार हम बहुत ज्यादा मोटे हैं। स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट होता है 14 से 16 साल के बीच में। इट इज अ टाइप ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर है, कैन गेट बेटर विद द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अगर इसका जल्दी मिल जाए तो इंडिविजुअल अच्छा हो जाता है। इज नॉट रियली अबाउट द फूड, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ईटिंग डिसऑर्डर या फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा सिर्फ और सिर्फ फूड के बारे में नहीं है। इट इज एन अनहेल्दी वे टू ट्राई टू कोप अप विद द इमोशनल प्रॉब्लम, जो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल मीन्स कि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम फैट लग रहे हैं, राइट। एक अनहेल्दी वे है किससे, अपने इमोशनली प्रॉब्लम से जूझने के लिए। अकर मेनली इन द वुमेन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, पर्सन डज नॉट ईट अनफ टू सस्टेन नॉर्मल बॉडी वेट, जितना जिसके हिसाब से वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हाइट और वेट उतना उसका वेट नहीं होता है, उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है।
एक्सपीरियंस फियर रिलेटेड टू गेनिंग द वेट, और उसे हमेशा क्या रहता है, फियर लगा रहता है कि यार मेरा वेट इंक्रीज ना हो जाए। अगर हम एंडोक्सिया नर्वोसा के बारे में बात करें तो देखिए एंडोक्सिया नर्वोसा के भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है आपका रिस्ट्रिक्टिव टाइप और दूसरा होता है बिंजी ईटिंग या फिर बिंज ईटिंग और पर्जिंग टाइप। अब रिस्ट्रिक्टिव टाइप में क्या रहता है कि दोनों टाइप में क्या होगा, इंडिविजुअल का ध्यान रखना, दोनों टाइप में चाहे वो बिंजी ईट कर रहा हो या रिस्ट्रिक्टिव टाइप में, दोनों टाइप में क्या होगा, वेट लॉस होगा। रिस्ट्रिक्ट टाइप में क्या रहेगा कि इंडिविजुअल बिल्कुल अपनी डाइट को क्या रहेगा, बहुत कम या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देगा अपनी डाइट को, फास्टिंग करने लग जाएगा या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग जाएगा, क्यों, ताकि बॉडी का वेट क्या हो, लूज हो, लूज हो, लूज हो। बिंज ईटिंग में क्या करने लग जाएगा, रेगुलर बिंज ईटिंग, बहुत ज्यादा खाने लग जाएगा लेकिन वेट क्या होगा, फिर भी कम होने लग जाएगा। पर्जिंग और बहुत, या फिर पर्ज करने लग जाएगा या फिर दोनों, क्या फिर ईटिंग भी करेगा और पर्जिंग भी करेगा। तो दो टाइप के आपके यहाँ पर एंडोक्सिया नर्वोसा होते हैं, तीन टाइप के आपके ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी बात करेंगे बुलमिया नर्वोसा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, और जल्दी से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।